हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, मेरा नाम राजेश कश्यप है। आज मैं गरिमा टाइम्स के माध्यम से आपको MBBS रशिया के एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूर एजुकेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 12 साल से रशिया में MBBS के लिए एडमिशन्स प्रोवाइड कराती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हम आपके साथ या आपके पेरेंट्स के साथ जब एडमिशन्स का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, तो सारी जितनी भी बातें होती हैं, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट के साथ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा होता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब आपने एडमिशन रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, जो हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेलेक्टेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और पहली बात, जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं। दूसरा, इसमें 12th स्टैंडर्ड में PCB में जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जो OBC SC ST से हैं, उनके 40% PCB में होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग हमें एक इनके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे का प्रोसेस करते हैं एडमिशन्स का। सेकेंड चीज़ है, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इसमें जो मीडियम ऑफ स्टडी है इंग्लिश है। मेरी जब और अदर्स पेरेंट्स जब काउंसलिंग होता है, फ़ोन से उनसे बात होती है, तो मैक्सिमम पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि क्या वहाँ पर जो डॉक्टरेट की पढ़ाई होगी वो रशियन लैंग्वेज में होगी। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर जो मोड ऑफ स्टडीज़ रहेगा वो टोटली इंग्लिश होगा। इंग्लिश मीडियम में ही आपकी MBBS की पढ़ाई होगी, जो कि हम ऑन रिटर्न्स पेपर में भी मैंशन करके देते हैं। थर्ड चीज़ है कि वहाँ पे जो फ़ी रहेगी आपकी, एक नॉमिनल फ़ी, क्योंकि 3 कॉलेजेस हैं, तीनों का एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनका फ़ी स्ट्रक्चर है, अपना एक स्टैंडर्ड है, तो तीनों का फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि आप 17 लाख से लेके 26 लाख रुपये तक में आप वहाँ पर MBBS अपनी कम्प्लीट कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन रहता है MBBS का, वो 5 साल 8 महीना होता है, और ये सब आपको मेंशन मिलेगा। और फ़ी, कई पेरेंट्स ये भी पूछते हैं मुझसे कि भैया वहाँ पर फ़ी इतना कम क्यों है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है यूनिवर्सिटीज़ को, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ी कम रहती है। और क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं न्यू एरा के, वो आज से नहीं 12 साल से एडमिशन्स वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन इंडिया, वो हमारे पास है। तो आप लोग अगर हमसे कनेक्ट होंगे, सबसे अच्छी बात ये रहेगी, एडवांटेज ये रहेगी, बिकॉज जो न्यू एरा है वो डायरेक्ट एडमिशन्स राइट्स दिल्ली में है, और हमारा हेड ऑफिस भी दिल्ली में है। दूसरी चीज़, जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई पेरेंट्स से बात होती है, बच्चों से बात होती है, वो लोग अभी से MCI के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसको हम FMGE एग्ज़ाम बोलते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भी MCI की जो कोचिंग होती है, ये अब हमारे इधर वेरी फर्स्ट ईयर, जो बच्चे अभी नए जाएंगे जैसे 2020-21 के बैच के लिए, तो वेरी फर्स्ट ईयर से यहाँ से हमारे इधर से प्रोफेसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिया से, न्यू एरा से, जो कि वहाँ MCI की कोचिंग कराते हैं। और स्टूडेंट्स, वेदर को लेके मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी में वेदर थोड़ा ठंडा होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि 24/7 हमारे न्यू एरा के रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज देयर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, और जितनी भी यहाँ से हेल्प हो सकती है वो दी जाती है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। होपफुली मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, और गरिमा टाइम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने हमें इतना वक्त दिया हमारी बात स्टूडेंट और पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट
फॉर योर नीट एग्जाम। धन्यवाद।